हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। राइट, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो भी इम्पॉर्टेंट है क्या है, एग्जीक्यूशन स्टाइल, मतलब एड को किस तरह बना के प्रेजेंट किया जाता है। अब कोई शादी में जाएंगे आप लोग दावत में खाना खाने, तो डायरेक्ट मेन कोर्स नहीं रहता, पहले बैठते सिटिंग होता है, हॉल होता है, जब खाने का टाइम आता है तो स्टार्टर होता है, फिर धीरे धीरे सब आइटम आता है, तो एक स्टाइल होता है, एक एग्जीक्यूशन का तरीका होता है। राइट, अब जैसे भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए तो FY, SY, फिर TY, मतलब 3 साल का प्रोसेस होता है, वैसे एड को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। राइट, एग्जीक्यूशन स्टाइल रेफर्स टू मैनर इन विच एडवर्टाइजिंग मैसेजेस प्रेजेंटेड टू द कस्टमर, किस तरह एड को लॉन्च करके कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ मैसेजेस मेजोरिटी डिपेंड अपॉन हाउ द मैसेज इज प्रेजेंटेड। जैसे मैं ये टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो कैसे स्टार्ट किया, कैसे नॉलेज दे रहा हूँ, कैसे कंटेंट बना रहा हूँ, कैसे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टाइल। ओके, तो ये एग्जीक्यूशन स्टाइल में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेट सेल। इन दिस स्टाइल मैसेज फोकस अपॉन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और उसकी बातें, यहाँ वहाँ की बात नहीं करते। ओवर एग्जीग्रेशन नहीं होना चाहिए, ओवर एग्जीग्रेशन मतलब होता है चने के झाड़ पे चढ़ाना, फेंकना, गलत बात बोलना, उल्टा सुलटा नहीं, सीधा प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स और उसकी खासियत। फिर साइंटिफिक मैसेज, इसका मतलब होता है इन दिस मैसेज एडवर्टाइजर ट्राई टू प्रूव साइंटिफिकली, मतलब टेस्ट करके, साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं ना, हाउ दी प्रोडक्ट इज बेटर देन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो देखो ना, जब डिटर्जेंट का ऐड आता है नहीं, क्या बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, डाला निकाला एकदम सफ़ेदी आई, साइंटिफिक मैसेज। ओके, अब वो सही गलत बात की बात है, उन लोग ट्राई करके तुमको दिखाएंगे। डेमोस्ट्रेशन, डेमो दिखाना, इट इलस्ट्रेट, इट हेल्प द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट बाई शोइंग इट एक्चुअल यूज, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। द स्टाइल इज मोर इफेक्टिव एज अ लाइव डेमोस्ट्रेशन, जब लाइव डेमोस्ट्रेशन ऐड में दिखाएंगे तो प्रोडक्ट को, तो कस्टमर क्या होता है उसके माइंड में ट्रस्ट आ जाता है, खुश हो जाता है, हाँ भाई सही है, अच्छा डेमो अच्छा लगा। टेस्टिमोनियल मतलब सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करना, कोई इंसान का इस्तेमाल करना जो प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगा। मैनी एडवर्टाइजर प्रेजेंट देयर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब होता है एक्स कंज्यूमर पर्सन स्पीकर जो प्रोडक्ट का यूज़ किया वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा। राइट, टू मेक इट मोर इफेक्टिवली सेलिब्रिटी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व, तो सेलिब्रिटी आके प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है। राइट, आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर आके प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं ना। टेस्टिमोनियल, एनिमेटेड कैरेक्टर मतलब कार्टून का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वोडाफोन वाले जुजू का इस्तेमाल करते हैं ना, ये तरीके से भी ऐड को प्रेजेंट किया जाता है। ड्रामाटाइजेशन, ड्रामाटाइजेशन मतलब होता है सास बहू की जैसा एक ऐड देखा रहेगा, इंश्योरेंस का ऐड आता है शायद से SBI लाइफ इंश्योरेंस का आता है, तो एक लेडी होती है, एक हस्बैंड होता है, बच्चा होता है, जैसे ही लेडी कुछ गिर जाता है, जैसे उठाने जाती है ना, तो जैसे उसका सर उठेगा ना, तो सर पे उसका ये ड्रॉ लगेगा, तो आदमी क्या करता है ड्रॉ को बंद कर देता है, तो ये दिखाता है ड्रामा करके, है ना, इमोशंस रहता है इसमें। कंपैरिजन मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना, ये अच्छा ये बुरा, इसकी ये तारीफ वाला ये खराब वाला, और फिर म्यूजिक डाल देना है ना, साउंड डाल देना, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा हे माँ क्या है गाना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी साउंड डाल देना, ठीक है, जैसे ब्रिटानिया में साउंड आता है ना टिंग टिंग टिंग, जैसे इसमें आता है मैकडॉनल्ड में पर पप्पा, तो म्यूजिकल मतलब साउंड डाल देना। आप लोग को भी कोई साउंड आता है तो कमेंट में डाल दो ना यार, मजा आएगा ना। तो इस तरीके से ऐड को प्रेजेंट किया जाता है, दिस आर नोन एज एग्जीक्यूशन स्टाइल। और इंग्लिश में बता दो, एग्जीक्यूशन स्टाइल रिफर्स टू अ मैनर इन विच एडवर्टाइजिंग मैसेजेस प्रेजेंटेड टू द कस्टमर। द इम्पैक्ट ऑफ मैसेजेस मेजोरिटी डिपेंड अपॉन द हाउ द मैसेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑडियंस। मतलब मेरा वीडियो तुम लगा के कान में सुनेंगे सोते सोते, तो तुम्हारा दो फायदा होगा, तो आंसर याद होगा तो नींद आ जाएगा, तो फायदा तुम्हारा ही इसमें, ठीक है। तो कोशिश कर तुम्हारे लिए शॉर्ट में आंसर कराने के लिए, बाकी लोग भी कराते, मैं सोचा टाइम निकाल के बच्चे लोग अच्छे से करा दूँ, ताकि कुछ ना कुछ तो लिख के आवे, खाली तो नहीं जावे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।